बीजेपी हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते कभी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाई है। लेकिन केंद्र की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी ने आरक्षण विरोधी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सही संख्या पता करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनगणना होनी है। इससे पहले आरएसएस से जुड़े जाति सुरक्षा मंच ने अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों और आरक्षण की सूची से हटाने की मांग की है। इस सूची के लोगों को नौकरियों शिक्षा और विधायी निकायों में आरक्षण मिलता है। भोपाल में मौजूद एक संगठन ने दावा किया कि उसने मांग के समर्थन में देश के 170 जनजातीय बहुल जिलों में रैलियां आयोजित की हैं और विभिन्न दलों के सांसद इसके समर्थन में हैं। मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी शरद चौहान ने कहा, एसटी समुदाय के जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें आरक्षण या अन्य लाभ नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो जनजातीय लोगों के लिए हैं, उनसे ऐसे सभी फायदे वापस ले लेने चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद कार्तिक उनराव की ओर से पहली बार 60 के दशक में ये मांग उठाई गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। राव ने ये दावा करते हुए इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई थी। एसटी धर्मांतरित लोगों को आरक्षण लाभ का एक बड़ा हिस्सा मिल रहा है। इसके बाद 1968 में इस मुद्दे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। अब बीजेपी कांग्रेस के कंधे पर पैर रखकर इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। ये मंच देश भर में अगले महीने कम से कम 3000 विधायकों और एमएलसी तक पहुंचने की योजना बना रहा है। साथ ही गुजरात के एसटी बहुल नर्मदा वलसाड़ और भरूच जिलों में 4 रैलियों और झारखंड में 11 और छत्तीसगढ़ में 13 और रैलियां आयोजित करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर और भरूच निर्वाचन क्षेत्र के सांसद मनसुख भाई वसावा ने इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है।